चलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है मुकेश यस सर क्लियर है सर क्या आप सभी को मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है हाँ सर क्लियर आ रही है ठीक है तो स्टार्ट करते हैं कल वाले क्वेश्चन को बीच में इंटरप्ट किया था वहीं से स्टार्ट करते हैं ठीक है देखो कल मैंने क्वेश्चन दिया था ये एडवांस का क्वेश्चन है और जितने भी पार्ट मैंने आपको दिए हैं ये सारे पार्ट आपके कभी ना कभी एग्जामिनेशन में पूछे गए सारे के सारे पार्ट ठीक है और सारे क्वेश्चन को मैंने एक जगह फ्रेम कर दिया है क्वेश्चन बोल रहा है कि दैट इज आपका दैट इज आर्गन प्लेन में एक पॉइंट है ठीक है आर्गन प्लेन मतलब कॉम्प्लेक्स प्लेन में एक पॉइंट है आर का दैट इज थीटा और इस कॉमा थीटा इन प्लेन में कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको हम लोग क्या हैं पॉइंट रिप्रेजेंट करते हैं तो अगर आपके पास आपका जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है आर थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को जब आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन या फिर आर्गन प्लेन में रिप्रेजेंट किया जाता है तो जो पॉइंट आता है इस कॉम्प्लेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग होता है आर कॉमा थीटा

जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ए है उसको हम किस पॉइंट सेल्फा ये आर की वैल्यू हो, हो जाएगी तो हम इसके बी एम्प्लेक्स केन कॉमा बीटा है और सी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या था वन कॉमा आर और एक आपको टिग्नामेट्री का वेरी वेरी फेमस रिजल्ट दिया था और इस रिजल्ट की से हम लोग कुछ कंक्लूजन को निकालेंगे ठीक है तो पहले मैंने आपका जो है ए जो जिसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रिंट करा है उसको जब मैंने लिखा तो ये आर की वैल्यू रख दी और ये थीटा की वैल्यू रख दी तो ए इज नथिंग बट न किस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रिंट करा है ई e की पावर आयोटा एल्फा बी किस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रिंट करा है दैट इज e की पावर आयोटा बीटा और सी किस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रिंट करा है ई e की पावर आयोटा गामा अगर मुझे ए बी सी की जगह कुछ रखना है तो ए बी सी की वैल्यू मैं यहां से रख सकता हूँ ठीक है अब ये जो टिग्नामेट्री रिलेशन आपको दिया हुआ है इस रिलेशन को मैंने क्या किया थोड़ा सा मॉडिफाइड किया टू को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तीन को लेफ्ट साइड पे लाया तीन को मैंने वन प्लस वन पर वन प्लस लिखा इन सभी को ओपन किया और उसके बाद इस वन को मैंने लिखा दैट इज कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इस वाले वन को मैंने लिखा कॉस बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा और इस वाले वन को मैंने लिखा दैट इज दॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन गामा और सिंप्लीफाई करने के बाद मैंने एक कंक्लूजन निकाला कि दैट इज इस क्वेश्चन में कभी भी मुझे दिखेगा कॉस एल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी है जीरो और दूसरा साइन एल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा की वैल्यू कितनी है जीरो ठीक है चलो अब हमें जो है कुछ चीजें प्रूफ करनी थी

को प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड को निकालते हैं दैट इज लेफ्ट हैंड साइड दिया है दैट इज हैीरो की वैल्यू बेटा आपको मालूम है ए की वैल्यू अगर मैं लिखूंगा तो एज इक्वल टू क्या है e की पावर आयोटा एल्फा, A की वैल्यू मैंने आपको निकाली थी बी की वैल्यू कितनी है e की पावर आयोटा बीटा और बेटा सी की वैल्यू कितनी है e की पावर आयोटा गामा ठीक है क्या मेरी इतनी बात समझ में आ रही है मुकेश ए की वैल्यू मैंने क्या कर दी है प्लेस कर दी है अब ये बताइए मैंने बताया था कि ये जो यूलर फॉर्मेट है कॉम्प्लेक्स नंबर को तब हम प्रेफर करते हैं जब मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन करना होता है लेकिन आपको यहां पर क्या करना है एडिशन करना है और अगर एडिशन करना है तो रियल और इमेजिनरी पार्ट आपके लिए बेटर रहेगा तो मैं इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को क्या कर सकता हूँ कॉस्ट थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में लिख सकता हूं मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट है और वहां से आप चीजों को एड आसानी से कर सकते हैं रियल रियल पार्ट आपस में एड हो जाएगा और इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट आपस में एड हो जाएगा क्या मेरी बात क्लियर है तो मैं इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कॉम्प्लेक्स नंबर के पोलर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दू क्योंकि पोलर फॉर्मेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है और वहां से रियल और इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा ठीक है तो इसको हम लोग लिखने वाले हैं दैट इज e की पावर आयोटा अल्फा को लिखेंगे दैट इज कॉस एल्फा प्लस आयोटा साइन एल्फा e की पावर आयोटा बीटा को क्या लिखेंगे दैट इज कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा और बेटा e की पावर आयोटा गामा को लिखेंगे दैट इज कॉस ऑफ गामा प्लस आयोटा साइन ऑफ गामा यहां से मैं क्या कर रहा हूं रियल रियल पार्ट को एक साथ कंबाइन कर लेता हूं और इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कंबाइन करता हूं साइन वाले टर्म को एक साथ लिख लेता हूं यहां से आ जाएगा दिस इज कॉस ऑफ अल्फा प्लस कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस ऑफ गामा और यहां से मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूं तो दिस इज साइन ऑफ एल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ गामा और यहां से भी आप देखेंगे दैट इज अभी अभी जस्ट आपने ऊपर निकाला है कि कॉस एल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कास गामा की वैल्यू कितनी है जीरो यहां पर जीरो पुट करिए और साइन एल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है जीरो तो यहां पर हम इसकी वैल्यू प्लेस करने वाले हैं और जब वैल्यू प्लेस करेंगे तो आ जाएगा जीरो प्लस आयोटा जीरो एंड दिस इज नथिंग बट द जीरो विल बी देयर यही आपका क्या था राइट हैंड राइट तो पूरे के पूरे क्वेश्चन में दैट इज ए प्लस बी प्लस सी इसकी वैल्यू कितनी है जीरो है प्रूफ होता है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है जीरो आ रही है ये रिजल्ट आपको ट्रू है ठीक है नेक्स्ट बी पार्ट में चलते हैं इसको नोट कर लीजिए अगर नोट करना चाहें ठीक है बी पार्ट पे चलते हैं हो गया था हो गया चल बी पार्ट पे चलते हैं बी पार्ट बोल रहा है दैट इज नथिंग बट आपको प्रूफ करना है कि दैट इज इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स की वैल्यू कितनी है जीरो विल बी देयर ठीक है नाउ दिस इज नथिंग बट आपको प्रूव करना है दैट इज इनवर्स 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 प्लस प्लस ठीक है वैल्यू पुट करते हैं यहां पर आप देखिए पावर है और जब भी पावर होती है तो आपका यूलर फॉर्म आपका बेटर रहता है फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेटर होता तो e की, e की है तो e ई की ए की वैल्यू आपने निकाल चुके हैं ए की वैल्यू कितनी है ई e की पावर आयोटा एल्फा की होल पावर माइनस वन बी की वैल्यू रख रहा हूं ई e की पावर आयोटा बीटा की पावर माइनस वन और बेटा सी की वैल्यू कितनी है ई e की पावर आयोटा गामा की पावर माइनस वन अभी जो पावर है अंदर मल्टीप्लाई में चली जाएगी ना है जे ई e की पावर माइनस आयोटा एल्फा प्लस ई e की पावर माइनस आयोटा बीटा प्लस ई e की पावर माइनस आयोटा गामा विल बी देर और इसके बाद क्या तो करेंगे फिर हाँ बेटा मुकेश स्क्रीन रुक गई है सर अच्छा स्क्रीन रुक गई है कब सर अभी एक मिनट पिछले वाला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से प्रूव दैट में तो हो गया हाँ, था हां हाँ, वो हो गया था ठीक है ठीक है ओके मैं लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर रहा हूं जो है ठीक है बस एक मिनट रुकिएगा चल एक मिनट मेरे ख्याल से आप सभी को अब जो है स्क्रीन विजिबल होगी ठीक है चलो तो हमें प्रूफ करना था दैट इज ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स की वैल्यू जीरो लानी थी ठीक है तो आप देखेंगे यहां पर पावर्स हैं आपके पास अगर पावर्स हैं तो आप हमेशा एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर यूलर फॉर्मेट क्या करिएगा यूज करिएगा अपने कॉम्प्लेक्स नंबर का तो ए की वैल्यू क्या थी की पावर एल्फा बी की वैल्यू में रखी ई e की पावर आयोटा बीटा और सी की वैल्यू में रखी ई e की पावर आयोटा गामा अभी जो पावर है ये पावर अंदर क्या हो जाएगी बेटा मल्टीप्लीकेशन में चली जाएगी और मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये आ जाएगा अब फिर से आपको एडिशन करना है अगर एडिशन करना है तो फिर से आप इसका पोलर फॉर्मेट आप क्या करिए यूज करिए तो दिस इज नथिंग बट द की पावर माइनस आयोटा एल्फा को लिख सकते हैं दैट इज कॉस ऑफ एल्फा माइनस आयोटा साइन एल्फा मैंने e की पावर माइनस आयोटा एल्फा की वैल्यू रख दी फिर e की पावर माइनस आयोटा बीटा की वैल्यू कितनी होगी दैट इज कॉस ऑफ बीटा माइनस आयोटा साइन ऑफ बीटा और बेटा e की पावर माइनस आयोटा गामा की वैल्यू कितनी होगी दिस इज कॉस ऑफ गामा माइनस आयोटा साइन ऑफ गामा और फिर से उसके बाद मैंने कॉस कॉस वाले सारे टर्म एक साथ ले लिए और आयोटा वाले या फिर इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कंबाइन किया यहां से आ जाएगा अगेन दिस इज कॉस ऑफ एल्फा प्लस दिस इज कॉस ऑफ बीटा प्लस दिस इज कॉस ऑफ गामा ठीक है दिस दिस लाइक एंड से माइनस आयोटा कॉमन लूंगा माइनस आयोटा कॉमन ले लीजिए तो यहां से आ जाएगा साइन ऑफ एल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ गामा और आपको इसकी वैल्यू मालूम है इसकी बेटा वैल्यू है जीरो और इसकी वैल्यू भी कितनी है जीरो इन दोनों की वैल्यू को मैं रखूंगा तो दिस इज जीरो माइनस आयोटा जीरो भी नंबर में जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे और जीरो में जीरो को ऐड करेंगे तो दिस इज अगेन जीरो बट योर राइट एंड दैट इज ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स की वैल्यू कितनी है जीरो है ठीक है दिस इज द ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स इसकी वैल्यू कितनी है जीरो क्वेश्चन में ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स की बेटा वैल्यू कितनी आ रही जी है जीरो आ रही है ठीक है चलिए सी पार्ट पे पे आते हैं सी पार्ट पे. इतना नोट कर लीजिए इतना नोट कर लीजिए फिर आगे चलते हैं हो गया चलो हाँ मुकेश सी पार्ट कैसे करेंगे बताओ आपको प्रूफ करना है दैट इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू जीरो मुकेश तुमसे पूछ रहा हूं yes, हाँ कैसे करेंगे बताओ सर इसको पोलर फॉर्मेट में रख देंगे उसके बाद मल्टीप्लाई करा दें पोलर फॉर्म में रख दें और मल्टीप्लाई करा दें पोलर में क्यों रखे मल्टीप्लिकेशन के लिए तो यूलर फॉर्मेट बेटर है ना हाँ हाँ, हाँ यूलर तो बेटर हाँ लेकिन अभी इससे पहले बी पार्ट तुमने प्रूफ किया है क्या वहां से तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा ए इनवर्स को क्या लिख सकते हैं वन अपॉन ए बी इनवर्स को वन अपॉन बी और सी इनवर्स को वन अपॉन सी और उसके बाद एलसीएम लेते क्या करके ए बी सी से डिवाइड कर दे क्या, क्या? बिल्कुल हाँ? एबीसी से डिवाइड नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा चलो यहां पर देखो इस क्वेश्चन में ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स जीरो भी प्रूफ किया है सी पार्ट पे आते हैं यहां बोर्ड पे देखो देखो कई बार एग्जामिनेशन में अपनी कैलकुलेशंस को इजी करना होता है कोई चीज हमने प्रूफ कर दी है कि दैट इज क्वेश्चन में ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स की वैल्यू कितनी है जीरो है मैं इनवर्स को लिख तो कितना आएगा? A, B, C आएगा यहां से आ जाएगा सीए और यहां से आ जाएगा ए बी और बेटा एबीसी नॉन निगेटिव नंबर है तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इज क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा एबी प्लस बीसी सी ए की बेटा वैल्यू कितनी है? प्रूफ हो गया। मेरी बात क्लियर है यही प्रूफ करना था या फिर आप एबीसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड तो भी रिजल्ट प्रूफ हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है चलो डी पार्ट पे आते हैं अच्छा तीन रिजल्ट आपको क्लियर है इस क्वेश्चन में ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है जीरो है इनवर्स प्लस बी इनवर्स प्लस सी इनवर्स कितना है जीरो है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू भी आपको मालूम है कितनी है जीरो है डी पार्ट पे आते हैं डी पार्ट पे ठीक है डी पार्ट क्या है नाउ दिस इज द डी पार्ट दैट इज आपको ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी और ये कितनी आनी चाहिए जीरो आनी चाहिए ठीक है तो डी पार्ट पे आते हैं नाउ अगेन यू कैन बी टेक द डी पार्ट ठीक है हाँ ये बताओ यार जो है मुकेश कि आपको क्या क्या वैल्यू मालूम है ए प्लस बी प्लस सी मालूम है स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कैसे आएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो प्रूफ करने वाले हैं आपको एक रिजल्ट मालूम है इस क्वेश्चन में ए बी सी की बेटा वैल्यू कितनी है जीरो है और मुझे ए स्क्वायर बी स्क्स सी स्क्वायर चाहिए तो मैं दोनों साइड होल स्क्वायर कर रहा हूँ ठीक है दोनों साइड आप क्या कर दीजिए होल दीजिए साइड जब होल स्क्वायर करेंगे तो दिस बट द्लस बी स्क्सर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए और जीरो का होल स्क्वायर करने पर जीरो आएगा और बेटा जैसी यहां से टू कॉमन लेंगे आप यहां से आप टू कॉमन ले लीजिए तो दिस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर और टू जैसे ही कॉमन लेंगे तो आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी अभी टू जीरो निकाली है कि ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है इसकी वैल्यू जीरोक्र प्लस सी स्क्वायर प्लस टू इंटू आपका टू जीरो प्रूफ होता है कि क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू बेटा कितनी है जीरो ये भी आपका प्रूफ होता है कि अगर आप A² B², या फिर एक दूसरा तरीका है कि हम लोग नहीं करने वाले जो रिजल्ट हम प्रूफ कर चुके उनकी हेल्प से इस चीज को क्या किया जा सकता है प्रूफ किया जा सकता है स्मार्ट तरीके से ठीक है स्मार्ट वे हा अगर मैं बात करू पार्ट ई पार्ट में क्या प्रूफ करना है मुकेश ई पार्ट समेशन ऑफ कॉस्ट टू अल्फा एंड साइन टू अल्फा अच्छा यहां पर आप देखिए कितने एंगल्स हैं ये बताओ एंगल कितने भाई तीन एंगल हैं एक तो अल्फा है बीटा है और तीसरा गामा है और समेशन फॉर्म में दिया है ठीक है और समेशन का मतलब है कि आपको प्रूफ करना है दैट इज कॉस ऑफ टू अल्फा प्लस कॉस ऑफ टू बीटा प्लस कॉस ऑफ टू गामा ये कितना आएगा जीरो जब इस समेशन को ओपन करेंगे सिमेट्रिकल समेशन जैसे मैंने आपको जो है जब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा रहा था उसमें क्यूबिक पढ़ाया था एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये सम ऑफ रूट होता है दो -दो के के तो यहां पर ये जो है देखो लिमिट नहीं लगी होती जब लिमिट नहीं लगी होती है तो उसको सिमेट्रिकल समेशन बोलते हैं कि दैट इज लिखा है कॉस ऑफ टू एल्फा मतलब इसी तरह के कितने एंगल दिए तीन एंगल दिए एक तो एल्फा बीटा गामा मतलब कॉस का टू एल्फा प्लस का टू बीटा प्लस का टू गामा ये समेशन कितना होना चाहिए जीरो होना चाहिए ठीक है चलो तो ये प्रूव करना है जीरो आनी चाहिए, ये बताओ, के साथ क्या चाहिए? को मैं बता रहा हूं ठीक है हाँ, आपको टू पा क्या चाहिए टू अल्फा, अल्फा चाहिए ये बताओ अल्फा के साथ टू कैसे आएगा हेलो इधर आओ ए की वैल्यू कहा गई ए के साथ अल्फा आ रहा था ना ए यहाँ पर टू अल्फा चाहिए मुझे टू अल्फा कैसे आएगा जब इसका मैं क्या करूंगा होल स्क्वायर ठीक है मतलब मुझे ए स्क्वायर चाहिए बी चाहिए सी स्क्वायर ऐसा कोई रिजल्ट है जो स्क्वायर वाला भी हमने प्रूफ किया है क्या ए प्लस बी प्लस सी वाला रिजल्ट यूज करेंगे क्या हमें तो स्क्वायर चाहिए अगर मैं ये रिजल्ट यूज करूंगा तो अल्फा ही आएगा बीटा आएगा गामा आएगा ये रिजल्ट प्रूफ नहीं हो पाएगा लेकिन अभी अभी आपने प्रूफ किया है, की कितनी है? यहां पर आप देखेंगे, two, है ना इ e की पावर आयोटा तो यहां से टू बीटा आ जाएगा।, यहां से गामा जाएगा तो यू कैन बी यूज दिस रिजल्ट फॉर प्रूविंग दैट इज ई पार्ट ठीक है तो मैं इसी रिजल्ट को यूज करने वाला हूं कि क्वेश्चन में भी आपने प्रूफ किया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है जीरो की वैल्यू में रख देता हूं ए की वैल्यू क्या है ई e की पावर आयोटा वैल्यू क्या है e की पावर आयोटा बीटा का इक्वल और यहां से आपकी जो पावर है अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी ना पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इज ई की पावर आयोटा टू एल्फा प्लस ई की पावर आयोटा टू बीटा प्लस ई e की पावर आयोटा टू गामा इक्वल टू तो जीरो और फिर से समेशन आ गया और समेशन आते ही आप क्या करने वाले हैं दैट इज नथिंग बट इसको पोलर फॉर्म में लिया ये दिस इज ई की पावर आयोटा टू बीटा को लिख सकते हैं दैट इज कॉस ऑफ टू अल्फा प्लस आयोटा साइन टू अल्फा आयोटा हाँ ई e की पावर आयोटा टू बीटा को लिख सकते हैं कॉस ऑफ टू बीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ टू बीटा प्लस e की पावर आयोटा टू गामा को लिख सकते हैं कॉस ऑफ टू गामा प्लस आयोटा साइन टू गामा इक्वल टू जीरो और यहां पर आप देखेंगे दट इज रियल रियल पार्ट को एक साथ ले लीजिए और जैसे ही आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा कॉस ऑफ टू अल्फा प्लस कॉस ऑफ टू बीटा प्लस कॉस ऑफ टू गामा और आयोटा वाले टर्म एक साथ ले लीजिए दिस, दिस, दिस आयोटा बाहर लीजिए दिस इज साइन ऑफ टू एल्फा प्लस साइन ऑफ टू बीटा प्लस साइन ऑफ टू गामा इक्वल टू जीरो और आप क्या करने वाले हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर बराबर है तो इनको कंपेयर कर सकते हैं और राइट right साइड पे जीरो है और जीरो को आप क्या लिख सकते हैं जीरो प्लस

इमेजनरी पार्ट साइन टू एल्फा प्लस साइन टू बीटा प्लस साइन टू गा दैट इज इक्वल टू जीरो से आप इसको लिख सकते हैं अगर समेन में तो दिस इज समेन कॉस ऑफ टू एल्फा इक्वल टू जीरो और दैट इज इसको भी अगर सिमेट्रिकल समेन में लिखे दैट इज क्योंकि तीनों ही एंगल में सेम टाइप का रिलेशन है तो दैट इज समेन साइन ऑफ टू एल्फा इक्वल टू टू जीरो था कि समेशन ऑफ कॉस टू एल्फा की वैल्यू जीरो होनी चाहिए और समेशन ऑफ टू बीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए जीरो क्या मेरी बात क्लियर है चलो ई e के बाद कौन सा पार्ट आएगा एफ पार्ट कौन सा रिलेशन आप यूज करेंगे ये आपको क्लियर होना चाहिए क्वेश्चन को देख e के ई के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं दैट इज एफ पार्ट यहां तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकता है चलो नेक्स्ट ई पार्ट में क्या प्रूफ करना है ई पार्ट में प्रूफ करना है दैट इज हा दैट इज समीशन ऑफ कॉस स्क्वायर एल्फा एंड समीशन ऑफ साइन स्क्वायर एल्फा की वैल्यू कितनी चाहिए थ्री बाई टू ठीक है ये बताओ Cos को क्या प्रूफ तो हो जाएगा क्या मेरी बात समझ में आ रही है तो एक बार मैं इसको कॉस के फॉर्म में लिखूंगा और एक बार साइन के फॉर्म में लिखूंगा यू कैन बी यूज दिस रिजल्ट हम साइन टू एल्फा को कॉस स्क्र एल्फा के फॉर्म में नहीं लिख सकते तो इस रिजल्ट को नहीं यूज कर पाएंगे इसको प्रूफ करने के लिए कॉस टू एल्फा को लिखा जा सकता है टू कॉस स्क्वायर एल्फा या फिर दैट इज कॉस स्क्वायर टू एल्फा को लिख सकते हैं तो हम जो है इस रिजल्ट को यूज करेंगे तो दट इज समीशन ऑफ दॉ टू एल्फाइज टू जीरो अगर मैं समीशन को ओपन करूंगा तो ये लिखा है कॉस ऑफ टू एल्फा प्लस कॉस ऑफ टू बीटा प्लस कॉस ऑफ टू इज इक्वल टू जूर एक बार मैं को किसके फॉर्म में लिखने वाला हूं कॉस के फॉर्म में लिखने वाला हूं को के फॉर्म में तो दिस इज है है इसको मैं लिख रहा हूं दिस इज टू कॉस स्क्वायर एल्फा माइनस वन इस वाले को मैं लिख रहा हूं दैट इज टू कॉस स्क्वायर बीटा माइनस वन और नेक्स्ट वाले को मैं लिख रहा हूं टू

कॉस स्क्वायर गामा दैट इज इज इक्वल टू थ्री और यहां से आपके पास कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इसकी वैल्यू हो जाएगी थ्री बाई टू और इसको लिख सकते हैं समेशन कॉस स्क्वायर एल्फा की वैल्यू कितनी प्रूफ करनी थी थ्री बाई टू और ये मैंने प्रूफ कर दी कि मेरी बात समझ में आ रही है इसी तरह इसके एक रिजल्ट को और प्रूफ कर सकते हैं स्क्वायर की वैल्यू भी आपको समेशन ऑफ स्क्वायर की वैल्यू भी थ्री बाई टू प्रूफ करनी थी तो उसके लिए भी हम लोग सेम रिजल्ट को यूज करने वाले है, is, cos 2 की कितनी है जीरो क्वेश्चन में मीन कॉस ऑफ जब मैं समेशन को ओपन करूंगा को तो कॉस्ट ऑफ टू एल्फा प्लस कॉस्ट ऑफ टू बीटा प्लस कॉस्ट ऑफ टू गामा ये कितना दिया है जीरो दिया ठीक है इसको आप साइन के फॉर्म में इस बार ओपन कर लीजिए तो दिस इज कॉस टू एल्फा को लिख सकते हैं दैट इज वन माइनस टू साइन स्क्वायर एल्फा इसको मैंने ऐसे ओपन किया है ना दैट इज कॉस टू एल्फा को लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर बीटा एंड दट इज कॉस टू गामो को लिख सकते हैं दिस इज नथिंग बट वन माइनस टू साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू जीरो ठीक है इस बार मैं क्या करने वाला हूं इन साइन को कंबाइन करके राइट साइड पे ले जाता हूं तो दिस इज साइन स्क्वायर अल्फा प्लस टू साइन स्क्वायर बीटा प्लस टू साइन स्क्वायर गामा इसकी वैल्यू कितनी आ रही थ्री यहां से आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस स्क्वायर टू गामा इसकी वैल्यू आ जाएगी थ्री बाई टू और मेरे ख्याल से यही आपको प्रूफ करना था इसको सिमेट्रिकल समेशन में लिखेंगे तो समेशन साइन स्क्वायर टू एल्फा की वैल्यू भी कितनी आ रही साइन स्क्वायर एल्फा की वैल्यू कितनी आ रही थ्री बाई टू मेरी बात क्लियर है यहां पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कौन कौन से रिलेशन हम यूज कर रहे हैं ये आपको देखना चाहिए ठीक है नेक्स्ट ई e के बाद क्या आएगा एफ एफ के बाद क्या आएगा जी जी पार्ट मुकेश इसका आंसर मुझे चाहिए तुमसे कि जी पार्ट कैसे प्रूफ करेंगे यहां तक नोट कर लो पहले हम्म जी पार्ट पे आओ जी पार्ट में क्या प्रूव करना है एंड इज समेशन कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है, है अच्छा, समेशन लगा है मतलब साइन अल्फा प्लस बीटा इसी तरह साइन बीटा प्लस गामा प्लस साइन गामा प्लस एल्फा इसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए तो ये बताओ, और बीटा ऐड कब होंगे हेलो आ, तो? cool. को कर A और ए इंटू बी से मिलता जुलता एक रिजल्ट हमने प्रूव किया कि में A, plus plus का कितना है जीरो यू कैन बी यूज दिस रिजल्ट ठीक है दूसरी रिजल्ट उठाते हैं अपने प्रूफ करने के लिए बी की वैल्यू है ई की पावर आयोटा बीटा ई की पावर आयोटा बीटा और सी की वैल्यू है ई की पावर आयोटा गामा ई की पावर आयोटा गामा और ई की पावर आयोटा एल्फा

एल्फा प्लस बीटा प्लस आयोटा साइन एल्फा प्लस बीटा दूसरे एक्सपोनेंशियल को भी मैं लिखने वाला हूं डेट इज कॉस बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा साइन बीटा प्लस गामा प्लस डेट इज कॉस गामा प्लस एल्फा प्लस आयोटा साइन गामा प्लस दैट इज जीरो अब अब क्या करिए दैट इज रियल रियल पार्ट को एक साथ ले कॉस वाले सारे टर्म एक साथ ले लीजिए साइन वाले सारे टर्म आयोटा वाले एक साथ ले लीजिए नाउ प्लस बीटा प्लस कॉस बीटा प्लस गामा प्लस कॉस गामा प्लस एल्फा और यहां से आयोटा कॉमन साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा प्लस गामा प्लस साइन गामा प्लस अल्फा दैट इज इक्वल टू जीरो और दोनों साइड जब आप कंपेयर करेंगे तो रियल रियल पार्ट बराबर हो जाएगी मैथी मैथी पार्ट भी बराबर हो जाएगा तो यहां से रियल्ट आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ बीटा प्लस गामा प्लस प्लस ऑफ गामा अल्फा रियल पार्ट को मैंने बराबर किया एंड इज इमेजिनरी पार्ट भी आपस में बराबर होंगे तो दिस इज साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस साइन बीटा प्लस गामा प्लस साइन गामा प्लस अल्फा इक्वल टू जीरो और इसको आप सिमेट्रिकल समेशन में जब लिखेंगे तो समेशन ऑफ लिख सकते हैं कॉस एल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू क्वेश्चन में जीरो भी जब सिमेट्रिकल समेशन में लिखेंगे तो समेशन साइन एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है जीरो यही प्रूफ करना था क्या मेरी बात क्लियर है नेक्स्ट चलते हैं चलो जी के बाद क्या आएगा एच पार्ट आएगा नाउ आई कैन बी कंसंट्रेट ऑन द एच पार्ट पार्ट एच पार्ट एच में क्या प्रूफ करना था पार्ट एच में मुकेश पार्ट एच में क्या प्रूफ करना था समेशन ऑफ कॉस थ्री एल्फाइज टू थ्री कॉर्स एल्फा प्लस बीटा प्लस कामा ये बताओ एल्फा के साथ क्या रहा सी आ रहा है तो क्यूब कर देते हैं हैं? क्यूब कर देते हैं ए प्लस बी प्लस सी का हाँ ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब कर देते हैं ठीक है ए प्लस बी प्लस सी का क्यूब फार्मूला क्या होगा बताओ ए प्लस बी प्लस सी के क्यूब का फार्मूला बताओ जरा तो मुझे क्या होता है हैं? तुमने तो बोल दिया क्यूब कर देंगे हाँ पुराना एक रिजल्ट यूज हो रहा है पुराना एक रिजल्ट अगर तुम्हें याद हो

ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इसके फैक्टर क्या होते हैं ए प्लस बी प्लस सी एंड द्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी क्या ये फैक्टर होते हैं और क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी बेटा दैट इज इसके फैक्टर ये होते हैं अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो दैट इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू हमेशा कितना होगा थ्री ए बी और यहां पर आप देखें क्यूब आ रहा है यहां पर क्यूब आ रहा है तो मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन में चूंकि या फिर ये लिख देते हैं इफ इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या है जीरोन देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी होती है थ्री ए बी सी यही होती है क्या तो मेरी बात क्लियर है क्वेश्चन में ये आपको रिजल्ट मालूम है ये रिजल्ट प्रूफ ट्रू है तो क्वेश्चन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी थ्री ए बी सी और इसको यूज करते हैं ठीक है तो दैट इज हां यहां पर ए की वैल्यू रखते हैं दिस इज e की पावर आयोटा एल्फा का क्यूब बी की वैल्यू रखते हैं ई e की पावर आयोटा बीटा का क्यूब और सी की वैल्यू e की पावर आयोटा गामा का क्यूब, की की वैल्यू कितनी है e की पावर आयोटा एल्फा बी की वैल्यू कितनी है E की पावर आयोटा बीटा और सी की वैल्यू कितनी है E की पावर आयोटा गामा। ठीक है इज नथिंग ये जो पावर है वापस में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इज आयोटा की पावर ई e की पावर आयोटा थ्री C की पावर आयोटा थ्री बीटा प्लस ई की पावर आयोटा थ्री गामा इज इक्वल टू यहां पर बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएगी तो दिस इज थ्री पावर आयोटा कॉमन ले लेते हो तो अल्फा तो प्लस बीटा प्लस गामा ठीक है और यहां से आप दोनों साइड कंपेयर करने के लिए क्योंकि ऐड करना है तो आप इसका कौन सा फॉर्म लिख लीजिए पोलर फॉर्मेट लिख लीजिए ठीक है तो दिस इज इसको मैं पोलर फॉर्मेट लिखूंगा तो ये की पावर आयोटा थीटा जो होगा वो हो जाएगा कॉस थ्री एल्फा प्लस आयोटा साइन थ्री एल्फा दिस इज कॉस थ्री बीटा प्लस आयोटा साइन थ्री बीटा प्लस दिस इज कॉस थ्री गामा प्लस आयोटा साइन थ्री गामा इज इक्वल टू यहां पर इसकी वैल्यू रख रहा हूं इसकी वैल्यू की पावर आयोटा थीटा थीटा की जगह एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो दिस इज कॉस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ठीक है और नाउ आप जो है रियल रियल पार्ट को एक साथ ले आइए ये रियल पार्ट है ये रियल पार्ट है ये रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कंबाइन कर लीजिए और फिर कंपेयर कर लीजिए तो यहां मैं लिख रहा हूं दिस इज कॉस ऑफ थ्री एल्फा प्लस कॉस ऑफ थ्री बीटा प्लस कॉस ऑफ थ्री गामा एंड डेटेज आयोटा कॉमन ले लीजिए तो नाउ दिस साइन थ्री एल्फा साइन थ्री एल्फा प्लस साइन थ्री बीटा प्लस साइन थ्री गामा इक्वल टू तीन को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो, तो थ्री कॉस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आयोटा थ्री साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ठीक है इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं दिस इज थ्री साइन एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ठीक है और दोनों साइड अब रियल और इमेजिंग पार्ट कंपेयर कंपेयर बोथ साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट क्योंकि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो उनके रियल और imaginary पार्ट आपस में बराबर होंगे इमेजिनरी पार्ट और जब कंपेयर करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा दैट इज कॉस थ्री अल्फा प्लस कॉस थ्री बीटा प्लस कॉस थ्री गामा इसकी वैल्यू हो जाएगी थ्री कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और आपका इमेजिनरी पार्ट को जब बराबर करेंगे तो वहां से एक रिजल्ट आएगा दैट इज साइन थ्री अल्फा प्लस साइन थ्री बीटा प्लस साइन थ्री गामा इज इक्वल टू तो थ्री साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और आपका जो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ये जो लेफ्ट साइड पे लिखा इसको है इसको सिमेट्रिकल समेशन में लिख सकते हैं जैसे समेशन कॉस ऑफ थ्री एल्फा इज इक्वल टू थ्री एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और इसको भी गामा और मेरे ख्याल से यही तुमको प्रूफ भी करना था मुकेश और यहां से हमने वैल्यू प्रूफ कर दी समेशन ऑफ कॉस थ्री एल्फाइज टू थ्री कॉस एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या मेरी बात क्लियर है किसी को अगर कोई डाउट हो तो मुझसे भी पूछ सकता है अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट। ठीक है और ये एडवांस का जो है आपका क्वेश्चन है उसके जितने भी पार्ट मैंने कराए सारे सारे पार्ट कभी ना कभी आपके एग्जामिनेशनों में पूछे गए हैं हो गया हो गया हो तो बताइए आगे चले हो गया चलो नेक्स्ट सेटिंग डालिए प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट प्रॉपर्टी ऑफ आर्गुमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गुमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है कॉम्प्लेक्स नंबर की जो आर्गुमेंट होता है केवल आपको आर्गुमेंट अगर पूछा जाए तो उसकी प्रॉपर्टी बात करें अच्छा आर्गुमेंट कहां से मिलता है जैसे मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड ठीक है जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है अगर मैं इसको पोलर फॉर्मेट में लिखूंगा तो इसका मॉड चाहिए और आपको आर्गुमेंट चाहिए जेड का ठीक है, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं ठीक है तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा मॉड जेड लिख सकते हैं लेकिन मैंने आर लिखा है जान के लिखा है क्योंकि तो आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आपको कई बार आर ही यूज करना पड़ेगा ठीक है।, है और इसी को आप यूलर फॉर्मेट में लिख सकते हैं दिस इज आर ई की पावर Iota, Theta. तो कभी भी किसी भी क्या मेरी बात क्लियर है और मोस्ट ऑफ द टाइम हम कौन सा आर्गुमेंट लिखते हैं आर्गुमेंट लिखते हैं लेकिन अगर क्या मैं प्रिंसिपल की जगह अगर जनरल आर्ग्यूमेंट लिख दूंगा तो गल हो जाएगा रिप्रेजेंटेशन गलत नहीं होगा

अगर मान लीजिए यहां माइनस है तो पहले उसको हम माइनस को अंदर लेके जाएंगे और फिर उसका आर्गुमेंट लेंगे तो माइनस सीटा आएगा ठीक है तो दैट इज नथिंग बट द इसका जो आर्गुमेंट है जब भी हमारे पास एक्सपोनशियल यूलर फॉर्मेट होगा तो थीटा किसको प्रिंट करता है आर्गुमेंट ऑफ जेट ये आपका आर्गुमेंट ऑफ जेट है और अगर पोलर फॉर्मेट लिखा है तो बेटा साइन और कॉस को साथ जो एंगल होता है साइन और कॉस के साथ जो एंगल होता है वो आर्गुमेंट होता है और उसके लिए भी जब भी आप आर्गुमेंट बनाएंगे तो पोलर फॉर्मेट में भी यहां प्लस ही लाएंगे यहां भी प्लस लाएंगे तभी आर्गुमेंट बता सकते हैं ठीक है तो दिस इज नथिंग बट द आर्गुमेंट ऑफ चेट ये चीज ध्यान रखिएगा और ये आपका आर क्या है दिस इज मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर चेट एंड दिस इज कॉल्ड मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर चेट

दोनों को ऐड कर देंगे वही सारी चीजें मैं बताने जा रहा हूं अब जो है ठीक है सुनते जाइए ठीक है चलिए लिख रहे हैं लेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर टू कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन इज इक्वल टू है आर वन ब्रैकेट में है कॉस्ट थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन और एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जेट टू जिसका मैग्निट्यूड है, है यहां पर मैं लिख देता हूं अगर मैं मल्टीप्लाई करना है तो कौन सा फॉर्मेट बेटर रहेगा यूलर फॉर्मेट बेटर रहेगा तो मैं इसको जरा ऐसे भी लिख सकता हूं जेड वन इज इक्वल टू है आर वन ई की पावर आयोटा थीटा वन और जो जेड टू है उसको यूलर फॉर्मेट में लिखेंगे तो जैसे जेड टू इज इक्वल टू आर टू की पावर आयोटा थीटा टू क्या मेरी बात क्लियर है जहां जेड वन और जेड टू आपके कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अगर आपसे बोला है आर वन आर वन किस को रिप्रेंट करा है जेड वन के मॉड को ठीक है ठीक है आर टू किस को रिप्रेजेंट करा है अच्छा थीटा वन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है थीटा वन दैट इज नथिंग बट थीटा वन इज नथिंग बट द आर्गुमेंट ऑफ जेड वन का जो आर्गुमेंट है वो थीटा वन है, ठीक है तो दिस इज आर्गुमेंट ऑफ जेड वन इज नथिंग बट द थीटा वन थीटा वन कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है वहीं आर टू क्या है मॉड ऑफ जेड टू इज नथिंग बट द आर टू एंड द आर्गूमेंट ऑफ इज नथिंग बट थीटा टू अगर कहीं लिखा रहेगा तो उसकी जगह मैं आर्गुमेंट ऑफ जेट टू लिख सकता हूँ थीटा वन की जगह आर्गुमेंट ऑफ जेट वन लिख सकता हूँ चलिए पहली प्रॉपर्टी पे चलते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी पे पहली प्रॉपर्टी पे इतना लिख लीजिए पहले और अब धीमे धीमे प्रॉपर्टी को देखते जाइए सारी प्रॉपर्टी नॉर्मल प्रॉपर्टीज है वो आपको बड़ी आसानी समझ में आ जाएंगी लेकिन एग्जामिनेशन में डायरेक्टली यूज करना होता है एक मिनट आप नोट करिए मैं एक मिनट में आया बस चल, तो आपको निकालना है दैट एज आर्गुमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू कितना होगा आर्गुमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू आपको जेड वन का आर्गुमेंट मालूम है बेटा जेड वन का आर्गुमेंट कितना है थीटा वन ठीक है और जेड टू का आर्गुमेंट आपको मालूम है दैट इज नथिंग बट द थीटा टू ठीक है दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के इंडिविजुअल आर्गुमेंट आपको मालूम है तो जेड वन इंटू जेड टू का आर्गुमेंट निकालना है तो हम क्या करते हैं पहले जेड वन इंटू जेड टू निकाल लेते हैं और किस फॉर्मेट में ज्यादा बेटर होगा मल्टीप्लाई करना है यूलर फॉर्मेट यूज करते हैं और वहां पर आयोटा की पावर में जो आएगा वहां से आर्गुमेंट मिल जाएगा इसको लिख देंगे ठीक है तो इसको निकालते हैं यार कितना आता है तो पहले मैं जेड वन इंटू जेड टू निकालता हूं जेड वन इंटू जेड टू जेड वन की वैल्यू कितनी है बेटा जेड वन की वैल्यू है आर वन ई की पावर आयोटा थीटा वन जेट टू की बेटा वैल्यू कितनी है जेट टू की वैल्यू है, e है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज नथिंग बट द आर वन इंटू आर टू और जो एक्सपोनेंशियल का कोफिशियंट होता है ना वो मैग्नीट्यूड बताता है ठीक है तो दैट इज दिस प्रोडक्ट इज कितना हो जाएगा आर वन इंटू आर टू की पावर कितना हो जाएगा आयोटा थीटा वन इंटू ई की पावर आयोटा थीटा टू बेस सेम है बेस सेम है बेटा पावर आपस में आर वन इंटू आर टू एंड दैट इज ई की पावर आयोटा थीटा वन प्लस थीटा टू तो दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ जेड वन इंटू जेड टू तो Z1 इंटू जेड टू आपको मालूम चल गया और किस फॉर्मेट में लिखा है ये आपका किस फॉर्मेट में लिखा है यूलर फॉर्मेट में और यूलर फॉर्मेट लिखने के बाद मैंने बताया था किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को यूलर फॉर्मेट लिख दिया तो आयोटा का जो कोफिशियंट होता है ठीक है वो क्या बताता है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट तो जेड वन इंटू जेड टू का कितना मैग्नीटर जेड वन इंटू जेट टू का, 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 तो का आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो जेड वन और जेड टू के मॉड का मल्टीप्लीकेशन हो जाए क्या मेरी बात क्लियर है तो यहां से हमें आर्गुमेंट मिल जाएगा दिस गिवी नथिंग बट द आर्गुमेंट दिस इज द जो आर्गूमेंट है वो कितना टू तो वैल्यू में लिखने जा रहा हूं देट इजेड इंटू जेड टू का अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका आर्गूमेंट आर्गूमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेट टू हो जाएगा थीटा वन प्लस थीटा टू

दैट so इज अगर आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर मैं आर्गूमेंट निकालूंगा तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेट टू इंटू जेट थ्रू का मल्टीप्लीकेशन इज कन्वर्टेड इंटू द एडिशन विल बी हमारे लिख देता हूं आर्गुमेंट केस में इन केस ऑफ आर्गूमेंट इन केस ऑफ आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन इज कन्वर्टेड कन्वर्टेड इंटू द एडिशन ठीक है मल्टीप्लीकेशन इज कन्वर्टेड इंटू द एडिशन विल बी देर तो अगर मैं इसी प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करके एन कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए लिखू प्रॉपर्टी आपको डायरेक्ट क्लियर होनी चाहिए दैट इज अगर आपसे पूछ लिया जाए दैट इज आर्गूमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू इंटू जेट थ्री डॉट डॉट जेड एन इस कॉम्प्लेक्स नंबर इन एन कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आर्गूमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गूमेंट होगा दैट इज नथिंग बट इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ जेडवन प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेट टू प्लस आर्गुमेंट ऑफ जेट थ्री प्लस डॉट 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 प्लस आर्गूमेंट ऑफ जेट एन क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है दिस इज द प्रॉपर्टी दिस इज द प्रॉपर्टी अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आर्गुमेंट निकालेंगे तो जो आपका रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट होगा रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो इंडिविजुअल कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट के सम के बराबर हो जाएगा क्या मेरी बात क्लियर है ठीक है नेक्स्ट लिखते हैं नेक्स्ट वहीं अगर बात किया जाए दैट इज इसी को और एक्सटेंड करते हैं अगर आपसे पूछा जाए इसी चीज को और एक्सटेंड करते हैं अगर आपसे पूछा जाए आपको पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेट क्या है एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड है एक कॉम्प्लेक्स नंबर मैं देख Z. Z है, R, e की पावर आयोटा जहां भी मैं Z लिखूंगा, तो जेड का आर्गुमेंट कितना है थीटा वन जेड टू का आर्गुमेंट दो कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर डिफाइन किए हैं और जेड को मैं यहां कर दे रहा हूं अगर मैं आपसे क्या है थिंग बट द मोड ऑफ जेट मॉड ऑफ जेट मैग्निट्यूड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर और थीटा क्या है आर्गूमेंट ऑफ जेट अब एक प्रॉपर्टी आपसे पूछ रहा हूं आपको बताना है कि आर्गूमेंट ऑफ माइनस जेट कितना होगा हाँ मुकेश वट द आर्गूमेंट ऑफ माइनस जेट तर वही होना चाहिए ना क्या नहीं आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड कितना होगा जेड का अगर आर्गुमेंट आपका जो है थीटा है तो माइनस टाइम्स ऑफ़ जेड का आर्गुमेंट कितना होगा ऊपर प्रॉपर्टी बताई है इधर देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस जेड को लिख सकता हूँ दैट इज माइनस वन इंटू जेड क्या कोई दिक्कत है क्या कोई दिक्कत नहीं है और यहां पर आप देखेंगे मल्टीप्लीकेशन के केस में किसमें कन्वर्ट हो जाता है समीशन में तो इसको लिख सकता हूं दैट इज आर्गूमेंट ऑफ माइनस वन प्लस आर्गूमेंट ऑफ जेड देख सकता हूं क्या देख सकता हूं और किसी भी दैट इज निगेटिव रियल नंबर ठीक है माइनस वन पर प्लाई करेगा निगेटिव रियल एक्स में और निगेटिव रियल एक्सेस में अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो आप बोलेंगे सर ये तो रियल नंबर है इसको माइनस वन प्लस आयोटा जीरो लिख सकते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर निगेटिव एक्सेस में लाई करो कोई भी नंबर अगर निगेटिव रियल एक्सेस में लाई करेगा तो उसका आर्गूमेंट कितना होता है उसका कितना होता है? प्रिंसिपल यहां पर कितना होता है पाई सर हाँ पाई पॉजिटिव रियल एक्सेस में जीरो पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सेस में पाई बाई टू इमेज निगेटिव रियल एक्सेस में दैट इज पाई और दैट इज निगेटिव इमेजिनरी एक्सेस में कितना होगा दैट इज माइनस पाई बाई टू फास्ट टू काउंट आती चीजें ठीक है तो दैट इज दिगेटिव रियल नंबर का या फिर दैट इज रियल नंबर का जो आर्गूमेंट होता है दैट इज इज पाई पाई तो the, तो दिस नथिंग बट द प्लस ऑफ जेड यहां से आप एक रिजल्ट लिख सकते हैं दैट इज आर्गूमेंट ऑफ माइनस जेड इज नथिंग बटदा पाई प्लस आर्गूमेंट ऑफ जेड दिस इज द रिजल्ट ये रिजल्ट आपको क्लियर होना चाहिए जो कि मैंने ऊपर वाली प्रॉपर्टी से ही लिखा हुआ है ऊपर वाली प्रॉपर्टी से लिखा है उसी तरह आप एक और रिजल्ट लिख सकते हैं दैट इज चौथा रिजल्ट भी लिख देता हूं दैट इज आर्गुमेंट ऑफ जेड की पावर एन ये आर्गुमेंट क्लियर होगा जेड की पावर एन जेड की होल पावर एन का आर्गुमेंट कितना होगा जेड का आर्गुमेंट तुम्हें मालूम है तो आपको आर्गुमेंट ऑफ जेड की पावर एन निकालना है मुकेश पीहू कितना आंसर होने वाला इसका? Z है इसका जेड का आर्गुमेंट तुम्हें मालूम है जेड का आर्गुमेंट मालूम है तुम्हें आर्गुमेंट निकालना है जेड की होल पावर एन का

और यहां पर प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो दैट इज आर्गूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्गूमेंट ऑफ चेड प्लस आर्गूमेंट ऑफ चेड प्लस डॉट 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 आर्गूमेंट ऑफ जेड और ये कितने बार लिखा है एन टाइम्स लिखा है और जब एन टाइम्स बार आप सेमी नंबर को ऐड करेंगे तो दिस इज नथिंग बट द एन टाइम्स ऑफ द आर्गूमेंट ऑफ जेड तो ये प्रॉपर्टी आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि अगर आपके पास आर्गुमेंट ऑफ जेड मालूम है और आप आर्गुमेंट निकालना चाहते हैं जेड की पावर तो ये जो तो पावर होती है ना ये आपका आर्गुमेंट के आगे मल्टीप्लाई हो जाती है जो जो तो पावर तो पावर है है ये ये आर्गुमेंट के बाहर आ जाती है क्या मेरी बात क्लियर है तो दिस इज नथिंग बट द एंड टाइम्स ऑफ द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया होगा क्वेश्चन में ठीक है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के आर्गुमेंट का एंड टाइम्स हो जाएगा मतलब पावर इज ऑलवेज कमिंग फ्रॉम द आर्गुमेंट ठीक है आर्गुमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो प्रोडक्ट से प्रॉपर्टी थी आगे चलते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे फिफ्थ प्रॉपर्टी पे फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी पे मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड कर रहा हूं उसके बाद उनका आर्गूमेंट निकाल रहा हूं और डिवीजन में आर्गूमेंट जो होंगे आपस में सब हो जाएंगे मतलब नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऊपर वाले जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उनके आर्गूमेंट आपस में ऐड हो जाएंगे मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन वाले सब हो जाएंगे ठीक है तो नाउ दैट इज नथिंग बट द दहला रिजल्ट हूं आर्गूमेंट आपको निकालना है जेड वन बाई जेड टू इसका आर्गूमेंट निकालना है तो पहले मैं जेड वन बाई जेड टू निकाल लेता हूं जेड वन बाई जेड टू

थीटा वन माइनस थीटा टू और आपने इस कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन बाई जेड टू को किस फॉर्मेट लिखा यूलर फॉर्मेट में तो ये मैग्नीट्यूड होगा एक्सपोनेंशियल का जो कोफिनेंट होता है मैग्नीट्यूड आयोटा का जो कोफिनेंट होता है वो आपका आर्गुमेंट होता है तो जेड वन बाई जेड टू का जो आर्गुमेंट है वो क्या हो जाएगा थीटा वन दिस इज द आर्गुमेंट ऑफ आर्गुमेंट एक मिनट चलिए तो यहां पर जो है आप देखेंगे दिस इज नथिंग बट द कहा थे हम लोग हाँ ये आपका आर्गूमेंट हो जाएगा दिस इज द आर्गूमेंट ऑफ जेड वन बाई जेट टू जेड वन बाई जेट टू दिस वन बाई जेड टू जेडवन बाई जेट टू विर तो अगर आपसे बोला जाए कि जेडवन बाई जेड टू का आर्गूमेंट निकालेंगे तो क्या आ रहा है बेटा दैट इज थीटा वन माइनस थीटा टू कितना आ रहा है थीटा वन माइनस थीटा टू इसको मैं लिखने वाला हूं दिस इज थीटा वन माइनस थीटा टू और थीटा वन है क्या बेटा थीटा वन है आर्गुमेंट ऑफ जेड वन और थीटा टू क्या है आर्गुमेंट ऑफ जेड टू दिस इज द फार्मूला अब इस फार्मूले को आप जरा थोड़ा गौर से देखिए तो आप देखेंगे कि जब भी डिवीजन होगा जब भी क्या होगा डिवीजन होगा तो आर्गुमेंट आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है जो न्यूमरेटर में लिखा है उसका आर्गुमेंट तो प्लस साइन के साथ लिखा लिखाइए प्लस साइन के साथ और जो डिवीजन है उसका आर्गुमेंट निगेटिव साइन के साथ लिखा है ठीक है तो अगर मान लीजिए न्यूमरेटर में नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लीकेशन जो कन्वर्ट होता है वो एडिशन में होता है मल्टीप्लीकेशन में एडिशन होता है ठीक है तो जब मल्टीप्लीकेशन आएगा ऊपर मान लो कई का मल्टीप्लीकेशन है तो उनके आर्ग्यूमेंट आपस में ऐड होते चले जाएंगे कहा गया उसके आर्ग्यूमेंट आपस में ऐड होते चले जाएंगे और डिवीजन वाले होते जाएंगे और डिवीजन में अगर कई सारे मल्टीप्लीकेशन है तो आपस में माइनस होते चले जाएंगे मैं एक करके दिखाता हूं आपको ठीक है तो जरा एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं पहले इसको लिख लीजिए एक एग्जाम्पल के बारे में बात कर लेते हैं ठीक है ना या फिर प्रॉपर्टी की तरह इसको भी लिख लेते हैं ठीक है आपको मान लीजिए निकालना है आर्गुमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू इंटू जेड थ्री होल डिवाइडेड बाई जेड फोर इंटू जेड फाइव ठीक है इसका आर्गुमेंट निकालना है तो देखो पहले इस पूरे को न्यूमरेटर मान लो इसको आप जो है कुछ मान लो जेड और इसको मान लो जेड देश तो जेड वन बाई जेड टू का फॉर्मेट में है तो क्या हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस आर्गुमेंट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लेकिन डायरेक्ट आना चाहिए मैं भी आपको ऐसे बता रहा हूं डायरेक्ट अभी नीचे लिखूंगा तो दैट इज अगर मैं इस पूरे को जेड मान लू एक कॉम्प्लेक्स नंबर इसको जेड मान लिया तो ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं जो न्यूमरेटर में होगा उसका आर्गुमेंट प्लस में होगा जो डिनोमिनेटर में उसका आर्गुमेंट माइनस में होगा तो दिस इज नथिंग बट है इसको लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू इंटू जेड थ्री और माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड फोर इंटू जेड फाइव क्या मेरी बात क्लियर है और यहां पर अब देखेंगे मल्टीप्लीकेशन अब वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी ठीक है नाउ दिस द यहां से आ जाएगा दिसेज इसको मैं लिखने जा रहा हूं आर्गूमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्गूमेंट ऑफ जेड टू प्लस आर्गूमेंट ऑफ जेड थ्री और यहां भी प्रॉपर्टी लगाने जा रहा हूं ठीक है लेकिन आगे माइनस साइन लगा हुआ है आगे कौन सा माइनस तो ये जब खोलेंगे तो आएगा आर्गुमेंट फोर प्लस आर्गुमेंट ऑफ ऑफ प्लस माइनस को अंदर लेंगे तो सब माइनस में हो जाएंगे तो दिस इज माइनस टाइम्स ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड फोर माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड फाइव क्या मेरी बात क्लियर है तो यहां से मुकेश इस चीज को ध्यान से देखे ऊपर जितने भी आपके मल्टीप्लीकेशन में लिखे हैं सबका आर्गुमेंट आपस में ऐड हो, आपस में आपस में आपस में? हो रहा है और, तो है? और, हैं हैं। और मान लो किसी में पावर लगी होती मान लो जेडवन में पावर तो ये पावर आगे आ जाती पावर किसी में लगी तो पावर आगे आ जाती क्या मेरी बात क्लियर है ठीक है तो चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं आपसे बात कर लेते हैं या फिर एक पहले फार्मूला लिख लेते हैं ठीक है no, सातवां फार्मूला लिख लेते हैं अगर आपसे बोला जाए हाँ चलो आपको आर्गुमेंट निकालना है जेड वन की पावर फाइव इंटू जेड टू क्यूब होल डिवाइडेड बाय जेड थ्री का क्यूब इसका आर्गूमेंट बताओ इसका आंसर तुमको बताना है कितना आएगा Yes, हाँ बताओ सर पहले डिवाइड रूल लगाएंगे फिर उसके बाद मल्टीप्लाई का डायरेक्ट है हाँ डायरेक्ट बताना है इसको ओके okay, सर हाँ फाइनल रिजल्ट कितना आएगा बार बार नहीं करना है यहाँ पर देखो ये न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में है तो इसके आर्ग्यूमेंट तो प्लस में होंगे और इसका आर्ग्यूमेंट कैसा होगा माइनस होगा ठीक है तो ये क्या हो जाएगा ऑफ ऑफ की होल पावर फार 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 तो पावर पावर लेकिन वाला फिर बाहर आ तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं जो न्यूमरेटर में उसके आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव में लिख रहा हूं तो पावर को बाहर भी लिख रहा हूं फाइव आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड वन ये भी अभी न्यूमरेटर में पावर बाहर आ जाती है तो दिस इज प्लस थ्री आर्गूमेंट ऑफ जेड टू और ये बेटा डिनोमिनेटर में है तो इसका आर्गुमेंट माइनस साइन में आएगा माइनस पावर बाहर आ जाएगी पावर को मैंने बाहर लिख दिया is, आर्गुमेंट ऑफ ठीक है इसको डायरेक्ट लिखना है क्या मेरी बात क्लियर है क्या मेरी बात क्लियर है बेटा यस सर चलो आ जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं फार्मूले पे चलो That is, आपको आर्गुमेंट निकालना है किसका जेड बार का आर्गुमेंट ऑफ जेड बार जेड का आपको आर्गुमेंट मालूम है जेड बार उसके उसकेट का आर्गुमेंट निकालना है. कितना आएगा गुड ठीक है? हाँ, है तो दिस इज नथिंग बट दैसे मान लीजिए जेड आपको मैंने बोला था क्या था आर

तो मालूम तो है? 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 है ये किसका आर्ग्यूमेंट है थीटा इर्गूमेंट ऑफ जेड तो मैं थीटा की जगह लिख सकता हूँ माइनस थीटा की जगह लिख सकता हूँ आर्गूमेंट ऑफ जेड तो अगर आपको जो है जेड का आर्गुमेंट मालूम है और आप जेड बार का आर्गुमेंट निकालना चाहते हो तो जेड बार का जो आर्गुमेंट होता है माइनस टाइम्स ऑफ ऑफ द क्या मेरी बात क्लियर है इसी पे एक प्रॉपर्टी लिखी है. अब जरा मुझे इसका आंसर दे दीजिए आपको आर्गुमेंट निकालना है जेड वन इंटू जेड बार इसका आर्गूमेंट निकालना यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द आर्गूमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड जेड टू बार

Argument of Z2 आ जाएगा तो थिंग बटूमेंट ऑफ जेड वन माइनस will ऑफ there टू विल को दिक्कत है तो ऐसे कर सकता है ठीक है तो आपको जेड वन इन टू जेट टू बार निकालना जेड तो वन की वैल्यू देख लेते हैं भाई जेड वन की वैल्यू है आर वन e की पावर आयोटा थीटा वन जेट टू की वैल्यू कितनी है आर टू e की पावर आयोटा थीटा टू लेकिन हमें जेट टू नहीं चाहिए जेट टू बार चाहिए तो R2 e की पावर माइनस आयोटा थीटा टू अब इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करना है तो मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं जेड वन इन टू जेड टू बारे का चाहिए, तो Z1 की है R1 e की पावर आयोटा थीटा वन और जेड टू की बार की वैल्यू कितनी है आर टू e की पावर माइनस आयोटा थीटा, थीटा टू तो यहां से आ जाएगा आर वन इंटू आर टू की पावर आयोटा थीटा वन माइनस थीटा टू जेड वन इंटू जेड टू बार का जो आर्गुमेंट हो जाएगा वो हो जाएगा थीटा वन माइनस थीटा टू एंड व्हाट इज द थीटा वन दिस इज आर्गूमेंट ऑफ जेड वन माइनस थीटा टू क्या है आर्गूमेंट ऑफ जेड टू क्या मेरी बात क्लियर है या फिर इसी चीज को आप अपने तरीके से भी ऐसे लिख सकते हैं ये फार्मूला लिख लीजिएगा अगर आपको दिक्कत है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऊपर वाली प्रॉपर्टी को मैं लगा देता हूं आपको निकालना था आर्गूमेंट ऑफ जेड वन इंटू जेड टू बार लेकिन आपको जेड वन का आर्गूमेंट मालूम है जेड टू का आर्गूमेंट मान है तो इसको हम लिख सकते हैं पहले प्रोडक्ट प्रॉपर्टी लगाएंगे आर्गुमेंट ऑफ जेड वन प्लस आर्गूमेंट ऑफ जेड टू बार ठीक है आपको कॉम्प्लीमेंट का आर्गूमेंट नहीं मालूम जेट टू का मालूम है और अगर मैं जेट टू बार का आर्ग्यूमेंट निकालूंगा तो माइनस टाइम्स हो जाएगा तो दिस इज आर्गूमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गूमेंट ऑफ जेड टू क्या मेरी बात क्लियर है ऐसे भी इस चीज को कर सकते हैं ठीक है अब एक चीज ध्यान रखिएगा इन सारे फार्मूले में जो मैंने आर्ग्यूमेंट के आपको फार्मूले लिखाए हैं इन फार्मूले में मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ये कौन से आर्गूमेंट दिए होंगे हेलो कौन से आर्ग्यूमेंट दिए होंगे क्वेश्चन में कौन से आर्गुमेंट दिए होंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट दिए होंगे या फिर हम यूज भी प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही करेंगे ठीक है यहां देखो जो मैं बोल रहा हूं यहां पर मुझे जेट वन जेट टू जेट थ्री मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में मुझे प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही दिए होंगे या फिर जो है जो आर्गूमेंट मैं यूज करूंगा निकालने के लिए प्रिंसिपल क्योंकि प्रिंसिपल प्रिंसिपलमेंट का फॉर्मुला मालूम होता है प्रिंसिपल हम जनरल आर्गुमेंट निकाल लेते हैं एंड पाइव करके ठीक है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हमें प्रिंसिपल मालूम होगा और जब मैं आर्गुमेंट का फार्मूला लगाऊंगा ठीक है तो ये मुझे प्रिंसिपल वैल्यू मालूम होगी लेकिन प्रिंसिपल वैल्यू रखने के बाद जब मैं आर्गुमेंट कैलकुलेट करूंगा तो क्या जरूरी है कि हमेशा वो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही कैलकुलेट होने पर आए क्या हमेशा जरूरी है क्या कि यहां पर जब आप प्रिंसिपल वैल्यू रखेंगे मान लो ये आपके पास है पाई बाई सिक्स ये पाई बाई थ्री ये टू पाई बाई थ्री और इन सबको ऐड करने के बाद जरूरी माइनस पाई से पाई के बीच में ही जाए कोई दो जरूरी दो। नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं आर्गुमेंट के जो फॉर्मूले लगाऊंगा ठीक है तो इसमें जरूरी नहीं कि जो आपका नहींगमेंट कैलकुलेट होके आएगा ये जो आर्गुमेंट कैलकुलेट होकर आएगा ये जरूरी नहीं कि प्रिंसिपल वैल्यू हो ठीक है ये आर्गुमेंट होता है प्रिंसिपल वैल्यू अगर नहीं आ रही है उसको प्रिंसिपल वैल्यू में आपको लिखना है तो माइनस तो पाई से पाई के बीच में होना चाहिए अगर मान लो पाई से बड़ा है तो मैं उसमें टू पाई घटा दूंगा माइनस पाई से छोटा है तो उसमें टू पाई एड कर दूंगा क्या मेरी बात क्लियर है तो ये चीज नोट करके लिखे जरा नोट करके लिखना है कि इन से जरूरी नहीं कि जो कैलकुलेट हो प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही कैलकुलेट प्रिंसिपल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता अगर उसकी वैल्यू आपकी माइनस पाई से पाई के बीच में आ रही होगी तो तो वो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा अदरवाइज वो आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट ना होते जनरल आर्ग्यूमेंट कहलाएगा ठीक है तो नाउ यू कैन बी टेक इट हियर नोट नोट करके लिखे दैट इज़ ऑल द एबव फार्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट लिखा रहा हूं ऑल द एब फार्मूला जितने भी मैंने फार्मूला बताए हैं ऑल द एब फार्मूलाज ऑल द एब फार्मूलाज ऑफ आर्गूमेंट ऑफ आर्गूमेंट वी गॉट वी गॉट या फिर वी गेट द वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट वी गेट द वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट हमें आर्ग्यूमेंट की वैल्यू मिलेगी लेकिन ये जो आर्ग्यूमेंट मिलेगा ये जरूरी नहीं कि पका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है ये जनरल है ठीक है कुछ भी हो सकता है ठीक है वी गॉट वी गेट द वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट बट 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 इट मे बी इट मे इट का मतलब आर्गूमेंट आर्गूमेंट मे और मे नॉट मे नॉट बी द आपका जो ये जो आर्गूमेंट है जो कैलकुलेट होने का वो आपका प्रिंसिपल आर्गूमेंट हो भी सकता है और नहीं भी मे और मे नॉट बी द

इसकी जरूरत आपको कई बार पड़ेगी टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इसका फार्मूला क्या होगा दैट इज इनवर्स होल डिवाइडेड बाई वन प्लस एक्स इंटू वाई ये रिजल्ट आप यूज कर सकते हैं ठीक है ये रिजल्ट मुझे कई बार यूज होगा इनवर्स टेक्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग कुछ फार्मूले पढ़ेंगे जिसमें से एक फार्मूला ये आपका यूज होगा अब एक क्वेश्चन करते हैं अच्छा अगर आपसे बोला जाए कि जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट कितना होता है नॉट डिफाइंड होता है तो उसको भी मैं लिख देता हूं जब आर्गूमेंट है कि जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गूमेंट डिफाइन नहीं होता क्योंकि तो y बाई एक्स होता है ना टेन इनवर्स y बाई एक्स एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो अनडिफाइंड हो जाएगा तो एक नोट और लिख लेंगे वैसे मैं लिखवा चुका हूं लेकिन जब आर्गुमेंट लिख रहे हैं तो इसको भी लिख लीजिए एक नोट और लिखेंगे आर्ग्यूमेंट ऑफ आर्गूमेंट ऑफ जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट डिफाइंड इज नॉट डिफाइंड ठीक है अब एक क्वेश्चन करते हैं जरा, जितना हमने पढ़ा है चलिए एक क्वेश्चन करते हैं फाइंड द the... फाइंड द प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया उसका आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है एंड उद्देश्य द कॉम्प्लेक्स नंबर जेड जेड की वैल्यू है वन प्लस आयोटा रूट थ्री कि होल पावर एट होल डिवाइडेड बाई रूट थ्री माइनस आयोटा एंड दैट इज वन प्लस आयोटा की पावर थ्री आपको जेड जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है इसका आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है ठीक है इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना है जेड का आर्गुमेंट आपको निकालना है यू वॉन्ट टू कैलकुलेट द आर्गुमेंट ऑफ जेड ठीक है। <laughs> अच्छा ये बताओ मुकेश आपको क्या निकालना है आर्गूमेंट ऑफ जेड यही तो निकालना है ना आर्गूमेंट ऑफ द जेड अच्छा जेड की जगह ये लिख सकते हैं जेड इसके बराबर है तो जेड निकालो चाहे इसको यूज करो तो मैं जेड की वैल्यू रख देता हूं तो दिस इज आर्गूमेंट ऑफ की पावर एट होल डिवाइडेड बाय रूट थ्री माइनस आयोटा एंड दैट इज वन प्लस आयोटा क्यूब हेलो मुकेश आप देखो जो फार्मे पड़े उसमें जेड वन जेट टू होता था तो, तो इसको मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन मान सकता हूं जेड वन की पावर एट हो जाएगा इसको मैं दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड टू मान लूंगा और इसको जेड थ्री और आप देखेंगे जेड वन जेट टू जेट थ्री इन कॉम्प्लेक्स नंबर के आप प्रिंसिपल आर्गूमेंट निकाल सकते हैं और अगर आपको कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स नंबर नंबर के के प्रिंसिपल आर्गुमेंट आर्गुमेंट मालूम है तो ओवरऑल आप को क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हो जेड वन मान रहा हूं इसको मैं जेड टू मान रहा हूं और इसको मैं जेड थ्री मान रहा हूं लेट कर रहा हूँ ठीक है तो मेरा जो क्वेश्चन है जेड वन की पावर एट डिवाइडेड बाई जेड टू इंटू जेड थ्री की पावर थ्री क्या मेरी बात क्लियर है वन प्लस रूट थ्री माइनस आयोटा और जेड थ्री किसको प्रदर्शित कर रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है वन प्लस आयोटा क्या मेरी इतनी बात क्लियर है अब यहां पर आप फार्मूला लगा सकते हैं हेलो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाले आर्गुमेंट पॉजिटिव में रहेंगे डिनोमिनेटर वाले आर्गुमेंट निगेटिव में हो जाएंगे और पावर में तो पावर बाहर आ जाती है तो हेलो पीहू फार्मूला क्या होगा दैट इज एट सर एट आर्गुमेंट ऑफ जेड वन माइनस आर्गुमेंट ऑफ जेड टू माइनस थ्री आर्गुमेंट ऑफ जेड थ्री वेरी गुड माइनस थ्री आर्गुमेंट ऑफ जेड थ्री इतनी बात क्लियर है अब देखो इस आर्गुमेंट को कैलकुलेट करने के चाहिए क्या मेरी बात क्लियर है और यहां पर हम कौन से आर्गूमेंट रखेंगे मुकेश okay. कौन से आर्गूमेंट रखेंगे हम रखेंगे प्रिंसिपल आर्गूमेंट क्योंकि हमें उनके फार्म में मालूम है ठीक है तो चलो मैं जेडवन

J2, किस में जेट थ्री का आर्गुमेंट निकालूंगा तो जेट थ्री का आर्ग्यूमेंट कितना आएगा दिस इज नथिंग बट दाइ बाई फोर इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए फर्स्ट क्वार्टर में था ये मैं तुम लोग को कई बार बता चुका हूं अब सारी वैल्यू रख दीजिए

ये आ जाएगा टू पाई और ये आ जाएगा तुम्हारा तीन दिस इज नाइन पाई सॉरी फॉर दैट यहां पर सेवन रखे हैं सेवन 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 यहाँ पर ये गलत हो गया थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया यहाँ पर सेवन है सही कर लीजिए थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पर सेवन है यहां पर क्या है सेवन तो बस थे, थोड़ा सा करेक्शन होगा यहां भी सेवन आ जाएगा यहां भी सेवन आ जाएगा दिस इज

और ये बेटा होगा और यहां भी ये गलती कर दी है तो गुणा करने में चार बार जाएगा तो थर्टी टू पाई होगा ये थर्टी टू पाई ठीक है करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया था थर्टी फोर में से ट्वेंटी वन चला जाएगा कितना बचेगा थर्टीन पाई बचेगा कितना आएगा दिस इज द आर्गूमेंट ऑफ जेड लेकिन ये बताओ आपसे कौन सा आर्गुमेंट क्वेश्चन में पूछ रहा था मुकेश क्वेश्चन में कौन सा आर्गुमेंट पूछ रहा था प्रिंसिपल 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 तो आपको का बताना था क्या ये Hello, ये है ये है 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 हेलो और डिवाइड करेंगे तो वन पॉइंट वन समथिंग आएगा तो पाई से बड़ी वैल्यू आ रही है तो ये आपका आर्गुमेंट है ये प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं लेकिन क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट बताना था तो अगर मैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालू जेड का पाई से बड़ा नंबर है इसको पाई के अंदर लाना पड़ेगा तो इसमें से कितना सब्ट्रैक कर देंगे टू पाई सब्ट्रैक कर देंगे पाई सब्ट्रैक करेंगे तो आ जाएगा थर्टीन माइनस ट्वेंटी फोर पाई डिवाइडेड बाई ट्वेल्व एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस के कितने आ जाएगा इलेवन पाई पाई ट्वेल्व से प्रिंसिपल प्रिंसिपलूमेंट पूछा था आर्गूमेंट नहीं पूछा था आपने फार्मूला लगाया मैंने बताया था कि जब भी आप ये फार्मूला लगाएंगे ना जब भी ये फार्मूला लगाएंगे जरूरी नहीं कि हमेशा आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट ही कैलकुलेट हो ठीक है इसीलिए मैंने क्वेश्चन करवाया क्योंकि लोगों को हमेशा ये लगता है कि प्रिंसिपल वैल्यू रखेंगे तो यार आंसर भी प्रिंसिपल वैल्यू आएगी प्रिंसिपल वैल्यू आना कोई जरूरी नहीं है आर्गुमेंट आएगा प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये पाई से बड़ा नंबर था तो मैंने इसमें टू पाई घटा दिया ठीक है अब यहाँ पर एक और रिजल्ट लिखते हैं एक और रिजल्ट लिखते हैं नोट करके लिखे नोट करके लिखे कि यदि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी ए प्लस आयोटा बी और उसका आर्गुमेंट आपको मालूम है तो एक रिजल्ट ट्रू होता है ठीक है चलो मैं लिख रहा हूं लेट देयर बी ए देयर विल बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू है ए प्लस आयोटा बी जहां ए और बी कैसे नंबर को बिलोंग करेंगे रियल नंबर को बिलोंग कर रहे हैं ठीक है अगर आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको आर्गूमेंट दिया है आपका आर्गूमेंट आपको मान लीजिए इसका थीटा दिया है ठीक है दट इज इफ ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक है अच्छा, मुकेश तो okay. अगर आपको number, या फिर में दिया तो आप इसका आर्गूमेंट निकाल सकते हैं प्लस है दोनों फर्स्ट क्वार्टर में आर्गूमेंट कितना होगा टेन इनवर्स

वन रिजल्ट इज इज ऑलवेज ट्रू एंड व्हाट द रिजल्ट मैं लिख रिजल्ट लिख रहा हूं ठीक है दैट इज दट थीटा इज इक्वल टू कितना बी बाई ए और अगर इसका प्रूफ देखना चाहते हो तो मैं प्रूफ लिख देता हूं ये रिजल्ट याद रखेगा कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको आर्गुमेंट मालूम है तो आर्गुमेंट का क्या लीजिए आर्गुमेंट का टेन ले लीजिए और वो हमेशा होगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर प्रूफ भी बता देता हूं दैट इज आपके पास जेड था ए प्लस आयोटा बी और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको आर्गुमेंट क्वेश्चन में दिया था वो दिया था थीटा और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल और इमेजिनरी पार्ट मालूम है तो इसका आर्गुमेंट आप लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ जेड होगा टेन इनवर्स इमेजिनरी डिवाइडेड बाई रियल दैट इज थीटा तो यहां से आपके पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी बी बाई एज पार्ट डिवाइडेड बाई रियल पार्ट रियल पार्ट ठीक है तो ये रिजल्ट हमेशा याद रखिएगा ये रिजल्ट बहुत काम का रिजल्ट है जो आपको कई सारे क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर देगा ठीक है अच्छा तो अभी जो है क्लास को यहीं पर एंड कर रहे हैं ठीक है क्योंकि अभी थोड़ा सा मुझको एक काम है जो है ठीक है कल हम लोग प्रॉपर जो है क्लास करेंगे जो है दो घंटे की मेरे ख्याल से डेढ़ घंटे के राउंड क्लास हो गई है क्योंकि तो मुकेश ने कि क्लास करता है इसलिए मैं बारह बजे टाइमिंग डाला था तो मुझे एक काम है थोड़ा सा मैं जाऊंगा ठीक है ओके। आज इवनिंग की क्लास नहीं रहेगी लेकिन कल से हम लोग दोनों टाइम पे क्लास करेंगे टाइम का स्लॉट बता दो किस किस टाइम पे स्लॉट पे खाली हो तुम लोग सर यही टाइमिंग जो है साढ़े बारह बजे ठीक है कोई दिक्कत नहीं थीक थीक है, ठीक है, और इवनिंग में सर शाम को दो से ढाई घंटे का कोई स्लॉट, क्योंकि तो नु... मुझे एक लोग चाहिए होगा क्लास के लिए, जो मेरे सामने रहे, कम से कम एक लोग सर तो तो साढ़े आठ, साढ़े आठ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, साढ़े आठ कर लेते हैं, साढ़े आठ से वही, साढ़े दस ग्यारह ठीक है तो कल से रखते हैं दोनों टाइम कोऑर्डिनेट पढ़ाऊंगा क्योंकि अब कॉम्प्लेक्स नंबर में मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जरूरत पड़ेगी लोकस लोकसोकस की और लोकस लोकसोकस में जब तक आपको नहीं पढ़ाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में नहीं आएगा ठीक है तो अभी मैं कुछ दिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले जो है आपका जो है डिस्कस करूंगा उसके बाद फिर यहीं से कंटिन्यू करूंगा वैसे मैं न्यूमेरिकल पोर्शन इसका डिस्कस करता रहूंगा जिससे कि आपको दिक्कत ना हो वंस द लोकस विल बी कंप्लीटेड तो आपका वैक्टर फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस लोकस के जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे ठीक है तो सर इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसके बाद जो है कैलकुलस स्टार्ट कर ले कि मैट्रिक्स और डिटरमेंट बचे हैं कि उनको खत्म कर ले बताओ सर जो ज्यादा स्कोरिंग हो वही कराइए देखो दो नंबर यानी तुम्हें दो क्वेश्चन मिल जाएंगे डिटर्मेंट और मैट्रिक्स से हंड्रेड परसेंट श्योर है हर एक एग्जामिनेशन में और छोटे टॉपिक है मेरे ख्याल से जो है छह लेक्चर मतलब छह लेक्चर का मतलब हु छ छा बारह तीन छत्तीस घंटे लगेंगे मेट्रिक्स और डिटरमेंट को कराने में मतलब अगर दो घंटे के हिसाब से दो से ढाई घंटे देखा जाए तो मतलब जो है बारह से चौदह दिन पंद्रह दिन मान के चलो उसमें से आपके चार ये तीन क्वेश्चन हमेशा आपके हर एक एग्जामिनेशन में कवर हो जाएंगे ठीक है तो उसी को कर लेते हैं फिर उसके बाद कैलकुलस स्टार्ट करेंगे तो उसको पूरा फिनिश करेंगे एक तरफ से जो है ठीक है थीक तो इसके बाद जो है एल्जेब्रा के बाद कैलकुलस में पढ़ाऊंगा टिक्मा सबसे बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वो नॉर्मली आता भी है तुम लोगों को जो है ठीक है पढ़े हुए होते हैं और उसमें कुछ चीजें हैं जो बताने वाली होती हैं जो है ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं ठीक है थैंक यू वेरी मच ठीक यू ओके कोचिंग नहीं जा रहे हो तुम लोग अब नहीं।, नहीं सर हम गए थे आ गए अच्छा कितने पासी में है क्या तुम्हारा नहीं सर मतलब है काफी दूर लेकिन फिर बीस मिनट